हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एजुकेटर निमिषा में। पिछले वीडियो में मैं द सिप ऑफ द डेजर्ट का क्विज लेकर आप लोग के पास आई थी। आज मैं लेकर आई हूँ हाउ क्रिएचर्स मूव का क्विज। अगर इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के क्विजेस को करते रहेंगे तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं क्विज। आपको 30 सेकेंड का समय मिलेगा और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोई एक आंसर ठीक होगा। आपको सही आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप क्वेश्चन नंबर को यहां से देख सकते हैं और सीरियल नंबर को यहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल हैज द पैडेड पॉज। और आपके आंसर्स हैं स्क्वायरल, लायन, सील, मंकी। इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ठीक है, उस ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर से सुनिए, ए ऑप्शन है स्क्वायरल, बी है लायन, सी है सील, डी है मंकी। विच एनिमल हैज द पैडेड पॉज? और आंसर होगा लायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हु लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन बी बॉयज, ऑप्शन सी लायन और ऑप्शन डी स्क्वायरल। ध्यान से सुनिए, हु लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। अगर आपने इस पोयम को अच्छे से पढ़ा है तो आपका इसका आंसर बिल्कुल जानते होंगे। हु लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब और इसका आंसर होगा स्क्वायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अ मंकी यूजेस हिज टेल टू लीप, स्विंग, रन, हॉप। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक है, उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अ मंकी यूजेस हिज टेल टू, जल्दी कीजिए, फटाफट आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए। लीप, स्विंग, रन, हॉप, इनमें से एक आंसर ठीक है और सही आंसर है स्विंग। अ मंकी यूजेस हिज टेल टू स्विंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है हु कैन डाइव एंड स्विम। आंसर्स हैं फ्लाइज, सील, बर्ड, स्क्वायरल। हु कैन डाइव एंड स्विम? ऑप्शन ए फ्लाइज, ऑप्शन बी सील, ऑप्शन सी बर्ड, ऑप्शन डी स्क्वायरल। फटाफट अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या होगा इसका आंसर? हु कैन डाइव एंड स्विम? और द आंसर विल बी सील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच क्रिएचर कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल। सारे क्वेश्चंस आपकी पोयम के अंदर से ही हैं। ऑप्शन ए है बर्ड्स, ऑप्शन बी फ्लाइज, ऑप्शन सी फिश, ऑप्शन डी वॉर्म। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, विच क्रिएचर कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल? आंसर्स बर्ड्स, फ्लाइज, फिश, वॉर्म। और इसका आंसर होगा फ्लाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द स्क्वायरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, फाइंड द एक्शन वर्ड इन द अबव लाइन। ध्यान से देखिए, द स्क्वायरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, इसमें आपको एक्शन वर्ड कौन सा है ये बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्क्वायरल, बी द, सी लिम्ब और डी लीप्स। तो इसमें से एक्शन वर्ड आपको देखना है कि कौन सा आपका एक्शन वर्ड होगा और आंसर होगा लीप्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, बॉयज एंड गर्ल्स कैन वॉक एंड रन, लीप, डांस, वॉक एंड रन, सी डांस, डी लीप। फिर से सुनिए क्वेश्चन को, बॉयज एंड गर्ल्स कैन, ए ऑप्शन वॉक एंड रन, बी ऑप्शन लीप, डांस, वॉक एंड रन, सी डांस, डी लीप। इनमें से कोई एक आंसर ठीक है,
आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और इसका आंसर होगा बॉयज एंड गर्ल्स कैन लीप डांस वॉक एंड रन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द राइमिंग वर्ड ऑफ टेल इज स्विम, स्विंग, सेल, सील। तो आपको राइमिंग वर्ड बताना है टेल का। द राइमिंग वर्ड ऑफ टेल इज स्विम, स्विंग, सेल, सील। कोई एक आंसर ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है, तभी मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इस क्विज को कर रहे हैं। तो आंसर होगा टेल का सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु विगल्स ऑल अराउंड, और आपके आंसर्स हैं ऑप्शन ए सील, ऑप्शन बी फ्लाइज, ऑप्शन सी वॉर्म, ऑप्शन डी स्क्वायरल। इन चारों में से एक ऑप्शन ठीक है। फिर से सुनिए, हु विगल्स आर ऑल अराउंड, हु विगल्स ऑल अराउंड, सील, फ्लाइज, वॉर्म, स्क्वायरल। और आंसर होगा आपका यस वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु स्विंग्स बाय हिज टेल, क्वेश्चन है हु स्विंग्स बाय हिज टेल, और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी स्क्वायरल, ऑप्शन सी मंकी, ऑप्शन डी टाइगर। फिर से सुनिए क्वेश्चन, हु स्विंग्स बाय हिज टेल, लायन, स्क्वायरल, मंकी, टाइगर। और आपका आंसर होगा यस आंसर विल बी मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लेटर इज साइलेंट इन स्ट्रेट, स्ट्रेट वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है। तो यहां पर आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ए, ऑप्शन बी जी एच, ऑप्शन सी टी, ऑप्शन डी आई। आप ध्यान से देखिए, विच लेटर इज साइलेंट इन स्ट्रेट, जब हम स्ट्रेट को पढ़ते हैं तो आपको इसमें से किस अल्फाबेट की साउंड नहीं आती, और आपका आंसर होगा जी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइडेंटिफाई द एनिमल। देखिए मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ, ये एक इमेज है, इसमें आपको जो एनिमल दिखाई दे रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये एनिमल फिर से देखिए, एक बार फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए इस एनिमल को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्लोज कर दिया मैंने, और एनिमल्स के नेम है ऑप्शन ए स्क्वायरल, ऑप्शन बी सील, ऑप्शन सी लायन, ऑप्शन डी मंकी। अब इसमें आपका सही आंसर होगा यस मंकी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस एनिमल, यहाँ पर मैं आपको एक इमेज शो करूँगी, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए ध्यान से इस इमेज को देखिए, ये इमेज किस एनिमल की है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टारफिश, बी है वॉर्म, सी सील, डी स्क्वायरल। एक बार फिर से मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ, ये देखिए इस इमेज को आपको आइडेंटिफाई करना है, स्टारफिश, वॉर्म, सील, स्क्वायरल, एंड द आंसर इज सील। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइडेंटिफाई द क्रिएचर, फिर से मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ, ये देखिए इस इमेज को देखना है और आपको बताना है कि ये किस एनिमल की इमेज है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लाइज, सेकेंड है सील, थर्ड है स्क्वायरल, फोर्थ है लिजार्ड। अब आपको फिर से मैं आपको वो इमेज दिखा रही हूँ, ये देखिए ये आपको बताना है ये कौन सा एनिमल है। ध्यान से इस इमेज को देखिए, और आपका आंसर होगा स्क्वायरल। तो इस तरीके से आपकी आज का क्विज कंप्लीट होता है। ऐसे ही और बहुत सारे क्विजेज लेकर समय समय पर मैं आपके पास आती रहूँगी। वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक संख्या में इसे बच्चों तक पहुंचाइए ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन करने में उनको मदद मिल सके। थैंक यू सो मच।